वंदे मातरम दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजयकांत। कोरोना वायरस के चलते पिछले दो वर्षों से जहां गणपति लंबोदर भगवान के भक्त उनकी पूजा पाठ और सेवा से वंचित हो चुके थे, इस वर्ष में लोगों ने जमकर सारा कोर कसर मिटाया, भक्ति भाव से अपने नौ दिन को पूरे किए और यूं व्यतीत हो गया मानो भगवान श्री गणेश जी स्वयं घर में आकर विराजमान हो गए। हर तरफ हर्षोल्लास दिखाई दे रहा था, गाजे बाजे के साथ लोग नाचते गाते नौ दिनों को व्यतीत कर दिए। पूजा पाठ हवन आरती यूं बीत गया मानो गणेश जी यहां पर पधार चुके हैं। और आज 9 तारीख को भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन करना था। इसके पहले से रात तक जो 8 तारीख की रात बीती, सभी भक्त बाकायदे पूजा अर्चना आरती महाआरती के साथ साथ भंडारे का भी आयोजन किया गया और लोगों ने जमकर नाचा गाया। और इसके साथ साथ सूरत में तो इंद्रदेव ने भी कृपा करते हुए भारी बारिश का संयोग बैठाया और भारी बारिश हुई। इसके साथ साथ गणेश जी की प्रतिमा आज 9 तारीख को यानी शनिवार को भगवान श्री गणेश जी को विसर्जन करने के लिए भक्त ले जाते रहे, पूजा अर्चना में भाग लिया, आरती की और भगवान श्री गणेश जी की अंतिम विदाई करते हुए लोगों ने प्रणाम किया और लोग खुशी खुशी भगवान श्री गणेश जी को विसर्जित किया। મારું નામ છે નલિન પટેલ અને અમે બધા આખું મંડળ છે અમારું ને અમારા મંડળમાં ઘણા વર્ષોથી ગણપતિ બાપાની સ્થાપના થાય છે ને અમે ઘણા ઉત્સાહથી અમે આ ઉત્સવ ઉજવીએ છીએ ને બીજી કોઈ તકલીફ અમને થતી નથી। ખાલી અમને એક જ તકલીફ છે કે જે અમારી માટીની મૂર્તિઓ છે ને તે નદીમાં પધરાવવાની વિનંતી। અમે લગભગ 20 વર્ષથી ઉજવતા છીએ આ ઉત્સવ। અમારું વિસર્જન અત્યારે મિંડોળા ખાતે લઈ જવાના છે, અહીંયાથી લગભગ 100-150 જણા છે। દેખતે રહે સ્ટાર ન્યૂઝ નેટવર્ક ઓર બને રહે હમારે સાથ। જય